डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कॉलेज में लॉ की परीक्षा कराने जा रहा है, जिसमें आगरा कॉलेज को लॉ की परीक्षा के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। लॉ की परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी में 1096 और दूसरी पारी में 810 छात्राएं परीक्षा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जा रहा है द्वारा लॉ की परीक्षाएँ कराई जानी, इसमें LLB और BLLB दोनों की ही परीक्षाएँ 2 सितंबर से शुरू होनी, किस तरह इनकी तैयारी रहेगी, आगरा कॉलेज में क्या तैयारी है, इसी विषय पर बात करेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताएं और क्या सर किस तरह परीक्षा शुरू कर रही है। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी, वाइस प्रिंसिपल हूँ। कल से लॉ की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें BA LLB और LLB दोनों कोर्स की परीक्षाएँ हैं। परीक्षाएँ दो पालियों में सम्पन्न होंगी। प्रथम पाली का टाइम 11 से 1 है और द्वितीय पाली का टाइम 3 से 5 है। तो ये बताएं सर श्रीवास्तव जी, ये आगरा कॉलेज में आगरा कॉलेज की छात्र परीक्षा देंगे कि और भी सेंटरों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया? जो आगरा कॉलेज के नोडल सेंटर पर 5 और कॉलेजों को शामिल किया गया है। कुल 6 कॉलेजों की परीक्षा यहाँ पर हो रही है। तो सर क्या उसके इंतजाम किए गए, मतलब सुरक्षा दृष्टि को आजकल देख रहे हैं, नकल वगैरह काफ़ी लोग हाईटेक हो गए, तो क्या उसको कुछ व्यवस्था अलग से की गई उसके लिए? हाँ, उसके लिए ऐसा है कि CCTV कैमरे सभी कमरों में लगे हुए हैं, जिसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय में भी होगी और कॉलेज में भी होगी। और भी जानकारी लेंगे। अच्छा ये बताइए, किस तरह से ये परीक्षाओं को मतलब और अच्छा करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो हमारा इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड है, इसमें हम लोगों ने 2 शिफ्ट में रखे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को 2 शिफ्ट में बांटा गया है। पहली शिफ्ट में डॉक्टर रिजू निगम हैं, वो इसके इंचार्ज रहेंगे, संयोजक रहेंगे, और सेकेंड शिफ्ट में डॉक्टर चंद्रवीर सिंह हैं, वो इसके संयोजक रहेंगे, ताकि ये नकल विहीन परीक्षा करा सकें हम लोग। लगभग 2000 के आसपास छात्र करीब 2 शिफ्टों में आपकी परीक्षाएं देंगे, तो आगरा कॉलेज में कितने सेंटर बनाए गए, कहाँ कहाँ, मतलब इसी कैंपस में हो जाएंगे कि अलग कोई कैंपस? हमारे पास ये महिला विंग में ये लॉ का सेंटर डाला गया है, महिला विंग में ही होंगी, ताकि यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो सके। यहाँ पर क्या असर व्यवस्था की गई है कि मतलब कि जो है छात्र मतलब आराम से, क्योंकि पढ़ाई भी हो, क्योंकि टीचर भी सबसे, हमने इस वाले लॉ की जो परीक्षाएं हैं इसमें ज़्यादातर टीचर्स लॉ के रखे हैं ड्यूटी देने की। मतलब सारी आगरा कॉलेज में सारी तैयारियां अपनी कर ली हैं, जो परीक्षाएं लॉ की जो कराई जानी है उसके लिए 2000 जो छात्रों को आगरा कॉलेज में सेंटर बनाया गया, नोडल सेंटर भी इसको आगरा कॉलेज को बनाया गया है, मतलब 5 अन्य कॉलेज भी जो छात्र हैं वो भी यहाँ परीक्षाएँ देंगे, 2000 से अधिक छात्राएँ परीक्षा देंगे, बड़ी कड़ी निगरानी में, क्योंकि CCTV लगाए गए हैं, साथ में जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी निगरानी करेगा, और जो क्लास के अंदर जो अध्यापिका होंगे वो भी उनको लगातार निगरानी रखेंगे, कोई पत्ते नकल ना कर सके। कैमरा राहुल के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।